इस वक्त हम खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में। यहाँ हम आए भामाशाह मंडी में और किस तरह से अनाज की आवक हो रही है, क्या मार्केट चल रहा है, इस बारे में आइए जानते हैं। मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं मनीष गुप्ता जी जो कि व्यापारी हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह का बाज़ार है और क्या बिकवाली के लिए आ रहा है। जी मनीष जी बताएँ किस तरह का बाज़ार है। जी सर, अभी यहाँ पर सरसों की आवक 50,000 कट्टे के आसपास हो रही है। नीचे में सरसों 4,000 रुपये, ऊपर में 5,172 रुपये बिकी है। आज के बाजार ये हैं, सरसों की क्वालिटी गीले माल जिनमें मॉइस्चर आ रहा है 15 से लेकर 20-25 तक मॉइस्चर आ रहा है, उसका भाव है 4,000 से लेकर 4,400-4,500 रुपये। जिनका मॉइस्चर 10 से 12 या 13 मॉइस्चर है वो बिक रही है 4,500 से 4,700 रुपये। और बाकी यहाँ पे जो अच्छे माल हैं वो बिकते हैं ऑयल परसेंटेज के हिसाब से, जिनमें 40+ तेल होता है वो बिकती है 4,900 से 5,100 रुपये तक। जी कहाँ कहाँ से जो है माल क्या आवक हो रही है यहाँ पर? सरसों अभी हमारे यहाँ से ऑल ओवर सभी तरफ की मंडियों को आता है, एमपी मंडी, राजस्थान मंडी, हर तरह की सभी मंडियों का माल यहाँ पे आता है। मतलब सीजन में यहाँ पर एग्रीगेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आवक होती है 1,00,000 कट्टे की, पर अभी थोड़ा मौसम की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, रकबा कम बैठ रहा है, 1 बीघा में 2 या 2.5 बोरी पर कुंटल ही बैठ रहा है। पर इससे लगता है इस बार सीजन ने साथ नहीं दिया है, इसी वजह से सरसों में ऑयल परसेंटेज कम बैठ रहा है और साथ के साथ उसकी प्रोडक्शन भी कम बैठा है। हाँ, पहले एक रकबे में कितनी फसल हो जाती थी? पहले 3 से 4 कुंटल, जो अभी घट के 2 से 2.5 या 1.5 कुंटल ही रह गई है। और अभी जैसे कि कहाँ किस टाइप की क्वालिटी का जो है माल आ रहा है? अभी यहाँ पर मैक्सिमम माल जो आ रहा है वो एरोस क्वालिटी है, जिसमें लाल और काला दाना दोनों मिक्स ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल बेस्ट माल जो होता है वो ब्लैक सरसों होती है, काले कलर की सरसों होती है दाने वाली, जिसमें ऑयल परसेंटेज 40-41-42 मैक्सिमम 43 तक बैठता है। हमारे साथ एक और व्यापारी जुड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं क्या इस बार जो है बाजार के भाव चल रहे हैं। जी बताइए सर। गेहूँ अपने बिक रहे हैं, पुराने तो 2,350-2,400 रुपये, और नए बिक रहे हैं अभी 2,400 से लगा के 3,000 रुपये। गेहूँ की फसल अच्छी आ रही है, अभी दाना भी बढ़िया आ रहा है, प्रोडक्शन अच्छा बैठ। गेहूँ के बारे में बता रहे हैं, अभी कितनी आवक हो रही है गेहूँ की? अभी 10,000 बोरी आ रहा है। 10,000 बोरी आ रहा है, पहले इसकी कितनी आवक हुआ करती थी? पहले तो 1-1.5 लाख कट्टे जो होती है, अब बढ़ेगी आवक, अभी बढ़ी नहीं, अब आ रहा है धीरे धीरे माल आ रहा है नया माल। अभी क्या माल की क्या बता रहे हैं आप प्राइस? अभी 2,400 से लेके 3,000 रुपए तक बिक रहा है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग किस कितने तरह की क्वालिटी जो है बाजार में आ रही है? ये अभी 4 तरह की आती है, लोकवान आते हैं, 37-65 आते हैं, 40-37 आते हैं, और मिल्क क्वालिटी आते हैं, 41-20 आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में और इस वक्त जो है सरसों की जो है डाक लग रही है। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरह की क्या रेट चल रही है और किस तरह की डाक लगी है। जी आपका नाम बताएं, आपका स्वागत है। सरसों बेचने के लिए आए थे जी, 4,352 रुपये बची है, और मार्केट के हिसाब से जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से 1,000 रुपये कम है। 1,000 का नुकसान किसानों को हो रहा है, पैदावार में 1 क्विंटल बिकेगी पैदावार हो रही है, तो किसानों को तो पैदावार में नुकसान है और मंडी में आए तो भाव में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। क्या रेट मिलनी चाहिए आपको? रेट समर्थन मूल्य के हिसाब से 5,500-5,600 तो गवर्नमेंट की रेट है, तो उसके हिसाब से 54-5,500 तो बिकनी चाहिए, जब ज़्यादा किसानों का मुनाफा निकले इसमें। हमारे साथ कुछ किसान भाई हो रहे हैं, इनसे ही मालूमात करते हैं। जी आपका नाम बताएं। जी हाँ, 700 बेचने आए हैं आप, क्या भाव मिला है? 4,700 बिकी है। क्या भाव आना चाहिए था आप लोगों? कितना भाव जैसा माल है सब बढ़िया माल, तो 5,200 बिका है। हमारे साथ और भी भाई, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए। धर्मराज। क्या कुछ बेचने आए थे? ये बेचिए 5,000 रुपये। 5,000। क्या लगता है क्या इसके दाम मिलनी चाहिए थे जो नहीं मिले? 52-53 रुपये तो बिकना ही चाहिए, सरकारी दाम है 5,400 रुपये। जैसा कि किसान भाई ने बताया कि सरकारी रेट के अनुरूप जो है वो भी सोयाबीन बेचने पर नहीं मिला है, 4,700 रुपये का जो है भाव जा रहा है, 5,000 तक ही बिका है, और गवर्नमेंट जो रेट है वो 5,400 के आसपास है, जो भी किसान भाइयों को नहीं मिलती है। मार्केट टाइम्स के लिए कोटा से आसिफ खान।